दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 2019 के प्री पीएचडी छात्रों का रविवार को भी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना जारी रहा। धरना दे रहे छात्र प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही सीबीएस के तहत सेमेस्टर प्रणाली में पंजीकरण कराने की अनिवार्यता का भी विरोध कर रहे हैं। इस दौरान शाम को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, प्रभारी एसएसपी व एसपी सिटी सोनम कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों ने धरना रत शोध छात्रों से वार्ता की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र अपनी सभी मांगों को लेकर लिखित सहमति मांग रहे थे, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें लिखित नोटिफिकेशन भी दिया, लेकिन छात्र उस पर भी सहमत नहीं हुए और धरने पर बैठे रहे। देर शाम को सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी सोनम कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने और धरने पर बैठे रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शोध छात्र कमलकांत ने कहा, कई सालों बाद नेट इसके पहले नहीं होता था, नेट जी आ रहा था एग्जाम के लिए, वो डायरेक्ट आ गया। इसके बाद जब नेट यहाँ पे हुई है तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस और स्टेचुरी बॉडी से पास होते हुए 2017 में ही लागू हुआ, और जब 2017 पूरी बॉडी से पास हो गई तो ये 3 साल का होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें प्री पी एच डी 6 महीने का इंक्लूड होता है। आपको सम्मान करना चाहिए और जब बताया गया कोई बात कहने की जरूरत नहीं है इसमें किसी तरह की, हमें देखिए अभी पूरा जनपद आपको देख रहा है, ऐसे मात्र नहीं होनी चाहिए, हमारी टीम को भी आप सम्मान करें, प्रशासन का भी सम्मान करें। एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हमारे अध्यापकों का एक ही क्वेश्चन पूछना है, एक ही सत्र के लोगों पे दो टाइप की मार्कशीट कैसे बन सकती है, कुछ में प्रमोशन और कुछ में चॉइस की बात है, सभी बच्चों को चॉइस लागू हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है तो सर ये चॉइस ऐसी हो गया ना कि चॉइस को कैसे मना करते हैं, चॉइस को कैसे मना करते हैं, नहीं हर बच्चे को आप लोग नहीं अपने अपना ये बात कर सकते हैं, जो बच्चे को जो करना है वो स्वतंत्रता देनी, वही बात है ना, वो अच्छी बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रमोशन की एक आदेश सर, हाँ वो निकलवा देंगे, और हम लोग जो बैठे हैं चलो अभी इसमें इसमें ये मत करो, अभी इसको खत्म करो आप लोग, और पीएचडी का हमारा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, हमारा सत्र कंप्लीट हो गया है ना, हम 3 साल कंप्लीट हो गया, औपचारिकता की बातें मत करो, सैद्धांतिक बात करो, औपचारिकता के लिए कहीं कहीं कॉलेज प्रबंधन अभी यूनिवर्सिटी का प्रबंधन भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग भी यही जा रहे हैं, हम बैठे रहेंगे इसी हफ्ते में सब कर देंगे, लेकिन 3 साल बच्चों को और नहीं कर रही है, कोई टीचर नहीं समझ पा रहे हैं, सारे बच्चों को दूसरों को क्या करना है वो नहीं तय करना, ठीक है, अभी आप लोगों की मांग थी वो भी पूरा कर दिया, अभी इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो सही नहीं, गलत बात, हम लोग चाहे गलत बात हो गई, प्रमोशन करके रजिस्ट्रेशन चाहिए पीएचडी का, पीएचडी का रजिस्ट्रेशन एग्जाम, हम लोग ऐसे प्रमोशन भी नहीं चाह रहे, ठीक है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अभी इसको खत्म कर, ठीक है सर, नहीं नहीं अभी और ऐसा नहीं करते, जो बात हो रही थी जो सूचीबद्ध कर दिया गया था, जो मांग दी गई थी उसी के बारे में बात करें, और कोई बात तो मेरे कार्यालय में आ जाओ, मैं बैठूंगा मेरी चाय पी आ जाओ, चरणबद्ध तरीके से चलता है ना, बिना बिना प्रमोशन हुए ही कैसे आप एक कदम कैसे मिस कर सकते हैं, सर एक पसंद करे एग्जाम दे, जो पसंद करे प्रमोट हो जाए, सर एक चीज बता दीजिए कि हमारी मार्कशीट में लिखा हुआ कि हम प्रमोटेड हैं, उसी साल में लिखा हुआ कि एक एग्जाम क्वालिफाइड है, कल को क्या गारंटी है कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगी, सर हमें अभी 3-4 साल ये सवाल जो परीक्षा लिखने वाले पूछे तो
सर अब ये तो चॉइस आप ही का है, कोई आपको बाध्य नहीं करना, यूनिवर्सिटी कर रहा है मेरी बात। इसके आड़ में दूसरों के लिए भी आप अगर बोलेंगे कि मैं उनको उनके ऊपर भी यही करना चाहता बाध्य सर। अगर हम ये कहें कि ऑर्डिनेंस में लिखा है उसी को लागू करें करके, तो आपकी मांग नहीं आई क्या? तो मांग के आधार पर ये तय किया। सुनिए मेरी बात, अभी किसी और की मांग अगर है कि नहीं मुझे परीक्षा लिखनी है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुनो अब मेरी बात, जब हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि कुछ बच्चे उनने क्या आवेदन किया, हमें सबके लिए निर्णय लेना है और ये नीतिगत मामला है, इसीलिए निर्णय लिया जा रहा है। कृपया करके अभी आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। जब ये बात हो गई थी कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप इस धरने को समाप्त करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, उससे उसके ऊपर उससे मुकरना नहीं चाहिए। कृपया करके अपनी बात का सम्मान करिए। अभी जैसे कमल कांत यादव से हुआ है कि अगर हमको ये प्रमोट करते हैं एक हफ्ते के अंदर और दूसरे हफ्ते के अंदर ये पीएचडी में हमारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर ऐसी नोटिस ये लेके आते हैं तो हम लोग धरने को खत्म करेंगे। लेकिन ये भी बात कहा गया सबके डिसीजन से धरना खत्म होगा, और ये बार बार कहा गया, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी पॉइंट पे हमको संदेह रहेगा तो हम लोग नहीं उठेंगे। यही बात हुई है और यहाँ पे हम लोगों को मुद्दा भटकाने के लिए हम लोगों का टिकट किया जा रहा है, हर तरीके से प्रशासनिक मतलब दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम लोग उठना नहीं चाहेंगे तब तक जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो अभी आए थे नोटिफिकेशन आने वाला, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सब लोग सेटिस्फाइड होंगे तो उठेंगे, और अगर कोई भी कमी होगी तो हम लोग नहीं उठेंगे। इसके अलावा इसकी संज्ञान तो सबको है ही, पहले से महामहिम आ ही रही है, तो वो भी जाने की इस यूनिवर्सिटी में चल जा रहा है। हमारी जो मुद्दा है बात कर रहे थे अगर हमने जिला प्रशासन से बात करने से मना कर दिया, हमने कहा जिला प्रशासन जितना आप मेहनत कर रहे हैं हमें कन्विंस करने में, उससे ज़्यादा आप मेहनत करने में कन्विंस करने में हमारी समस्याएं समाधान हो जाए। डीएम साहब के प्रयास से कुलपति हमारे बीच आए, कुलपति चूंकि 7-8 बार धरने देने के बाद भी अपने बात से पलट जाते हैं, इसलिए हम लोग उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे। फिर भी चूंकि दीक्षांत होने वाला है विश्वविद्यालय के लिए एक और अच्छा क्षण होता है, हमें भी विश्वविद्यालय की गरिमा का ख्याल है, इसलिए हम एक लिखित आश्वासन पर कुलपति के लिए धरना समाप्त करेंगे। लेकिन वो विद्यार्थियों के पक्ष में आना चाहिए कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए और 15 जनवरी से पहले उनका पंजीकरण कर दिया जाए, क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा लेट हो चुका है। 3 साल अगर जिनका हो जाएगा उनका पीएचडी रजिस्ट्रेशन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यही बात हुई है, अगर हमारे अकॉर्डिंग नोटिस आता है तो धरना समाप्त होगा, नहीं आता है तो सेमेस्टर सिस्टम में जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न होगी। इस सत्र के लिए यह विकल्प रहेगा कि जो विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। विकल्प हेतु ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा परिणाम के उपरांत सभी का एक साथ पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न होगी। यह व्यवस्था सत्र 2019-20 हेतु की गई है, ये फाइनल है, लिखा गया है, आप डिस्कस कर लीजिए। बिल्कुल सब पे अपलोड होगा, साइन से है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, पंजीकरण सबका साथ होगा, पंजीकरण। तुम लोग इस तरह वीडियो मत बनाए, वीडियो चलता नहीं है, वीडियो ऐसे बनाना है। और अगर ये एग्जाम जो लोग देंगे पता नहीं एग्जाम कब होगा, एग्जाम के होने के बाद कितने लोग पास होंगे कितने लोग फेल होंगे, दूसरी बात हमारी जो मांगे रहेंगे हमारी जो मांगे हैं प्रत्येक विभाग को सूचित करने की, कृपा करके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हमें प्रमोट करें। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट का जो मैटर है ये मैटर जब डिपार्टमेंट हमको देगा तब दिक्कत होगी, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्रमोट होने से संतुष्ट नहीं होते, वे इम्प्रूवमेंट
फॉर्म कहेंगे उसको परीक्षा फॉर्म इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर कर एग्जाम दें और आगे की प्रक्रिया पूर्ण करें। दूसरी बात, एक सप्ताह के अंदर आंतरिक मूल्यांकन करने के पश्चात परिणाम के आधार पर दूसरे सप्ताह में पीएसटी में पंजीकृत नहीं की प्रमोट कर दिए या जब तक आंतरिक मूल्यांकन नहीं हुआ तब तक हमको कोई भी यूनिवर्सिटी या यूजीसी का नियम यहाँ पर नहीं लागू होगा। ये आप भी जानते हैं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हमें प्रमोट करें या आंतरिक मूल्यांकन करने पश्चात परिणाम के आधार पर दूसरे सप्ताह में पीएचडी में पंजीकरण करवाने की कृपा करें। तीसरा है, सूचना जो भी हो उस पर आपका तो हस्ताक्षर रहेगा और हम लोगों को कोई ऐसा रहना भी चाहिए एविडेंस हमारे पास। जैसे कि मांग अलग होती है, सॉल्यूशन क्या निकलता है, मतलब इसका इसीलिए हर बार मांग अलग, हर बार मांग अलग। हम जो मांगेंगे अभी कल आप कहेंगे कोई गाइडलाइन और नियम को ध्यान में रखते हुए, इसमें आपने जो डीएमवीसी साहब, मैं बता रहा हूँ, डीएमवीसी साहब जब आए थे तो बात हुई थी कि प्रमोट कर दिया जाए, उस समय टसल का पॉइंट ये था कि सबको किया जाए कि हमको किया जाए, आप कह रहे थे नहीं सबको कर दिया जाए। सबको कर, एक सेकेंड अभी मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे थे सबको कर दिया जाए, ठीक है, तो डीएम साहब ने कहा, सबने कहा कि हम किसी का राइट नहीं मारते, जिसका मन एग्जाम देगा एग्जाम देगा, ठीक है, बाकी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा और पंजीकरण सबका कर दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिख दी गई है कि सभी का एक साथ पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न कर जाएगी, सब कुछ राइटिंग में है, साइन से मिलेगी, हम लोग सब लोग यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अब इसमें हम नए नए क्लॉज जोड़ रहे हैं कि इस समय हो उस समय, अगर हम किया जाएगा ये पूरी सच्चाई आप लोग देगा नहीं तो हम यहीं बैठेंगे, जो मर्जी यूनिवर्सिटी प्रशासन के बारे में कथन करा दे, जो भी हो जाए होता सीजन जो हुआ है। हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोगों की मांगे ये हैं कि जो भी प्रमोशन हो प्रमोट किया जाए हमको, ठीक, लेकिन उसका एक दायरा फिक्स होना चाहिए। जैसे आंतरिक मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन से ये हो जाएगा कि कुलपति साहब, रजिस्ट्रार साहब को जब ये बोलेंगे, निर्देशित करेंगे कि इनका आंतरिक मूल्यांकन हो, तो आंतरिक मूल्यांकन डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि हम हर लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करें किसका प्रजेंट कितना है और कितने पेपर किसने कैसे लिखा है, या जो भी करेंगे उनका अपना क्राइटेरिया होगा, उसके आधार पे आंतरिक मूल्यांकन का यही मतलब होता है कि डिपार्टमेंट डिसाइड करें, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे हम लोगों को प्रमोट किया जाए। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को कम नंबर दिया जाए, 100 नंबर का कर सकते हैं, 200 नंबर का करें, ये तो इन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वीसी सर का ये पावर है कि जब वो यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो अगर प्रमोट करेंगे, खोजेंगे तथ्यों को, तो अब कितने नंबर का है, हो सकता है हमको 100 में से 40 नंबर मिले और मैं सोचूं नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे लिए अलग ऑप्शन दिया जाए। कुछ बच्चे जैसे इनमें, अगर मान लीजिए इनमें तो सब लोग प्रमोट होना चाह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग, सर के अकॉर्डिंग सारे बच्चे प्रमोट नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम भी देना चाह रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम देना चाह रहा है और वो आंतरिक मूल्यांकन सेटिस्फाइड नहीं हो, एग्ज़ाम दे दे, हम ही हैं, अगर आप ऑप्शन डाल देंगे तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि आप प्रमोट हो गए हैं और आपने, तो प्रमोट में हमारा नंबर कम मिला किसी कारणवश, तो हम भी हो सकता है एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। निष्कर्ष अभी कुछ नहीं निकला है, ये लोग अपने तरीके से अपनी नोटिस हम पे थोप रहे हैं, मतलब कि हमने ये किया, जहाँ पे प्रमोट का कोई वो नहीं है, नोटिस में जो है मैं आपको नोटिस सुना दे रहा हूँ कि इनका नोटिस क्या, हमारी मांगे क्या है, दोनों में बहुत अंतर हो रहा है और इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बताऊँ, जैसे इनकी नोटिस है 17-19-20 की प्री पीएचडी परीक्षा 16/10/2018 के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम में जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में संपन्न होगी। तो देखिए पहले परीक्षा ये संपन्न कराने की बात कर रहे हैं, प्रमोट वाली बात नहीं कर रहे हैं। फिर इस सत्र के लिए यह विकल्प रहेगा कि जो विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से परीक्षा नहीं देना चाहते,
चाहते हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। विकल्प हेतु ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा परिणाम के उपरांत सभी का एक साथ पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न होगी। यह व्यवस्था सत्र 19-20 हेतु की गई है। इसमें प्रमोट की कहीं कोई बात नहीं है। तो हमारी जो मांगें थी रजिस्ट्रार सर से हो गई हैं, और गुलपत सर से बात करने गए हैं। उन्होंने कहा कि हम बात करके आते हैं आपके, अगर वो आते हैं, अगर उसमें लिखा गया है दोनों मांगें कि मतलब जो हमने कहा है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए और हमारा उसके पश्चात पंजीकरण किया जाए। अगर हमारी दोनों मांगे मांगी जा रही हैं और कोई मांगे, शुरू से हम लोग यही कह रहे हैं बस कि हमको प्रमोट किया, लेकिन उसका एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जिससे कल का हमारे साथ कोई दिक्कतें हो तो हम जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकें कि हमारे डिपार्टमेंट ने किया है, हमारे HOD ने, हमारे गाइड ने, हमारे VC सर ने, रजिस्ट्रार सर ने, इसका ऑथेंटिकेशन चाहिए हमको। उसके बाद हमने जो भी कहा कि यहाँ पे जैसे सर लोग आए हैं और ADM सर हैं, सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं, मतलब यहाँ पे सर ने लोगों ने कहा, तो हमने एक बार ये कह दिया कि सर का हस्ताक्षर हों, सर नाराज भी हो कि हम लोग कौन होते हैं भाई हस्ताक्षर करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बातें कुछ नहीं होना चाहिए।